This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isa Concerns, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels. आज तेलंगाना वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई थी मेरी तरफ से, जिसमें बहुत सारे खवातीन ने शिरकत की और अपने जज्बात का इजहार किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और हम बस यही चाहते हैं कि हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा बने, हमारी भी आवाज़ दर्ज हो। ये जो कानून निकाल रहे हैं CA NRC NPR, वो हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ है, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तानियों में नफरत फैला रही है। जैसे आप देख रहे हैं जामिया में, शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई है, कितनी नफरत के साथ वो लोग बोल के मार रहे हैं कि ले आज़ादी दे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू है रहेंगे। तो ये आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि ऐसी हुकूमत के खिलाफ हम आखिर तक जो है ना आवाज़ उठाते रहेंगे। जामिया में जो वाकया हुआ है, वो बच्चा बहुत ही बहादुरी से प्रोटेस्ट कर रहा था और पुलिस को आप देख रहे हैं, क्लियर है वीडियोस में, फोटोज के में, कि वो खुलेआम खामोश खड़ी है। और जो बच्चा जो 17 साल का बोल रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं है कि वो 17 साल का है और वो खुलेआम बोल के गोली चला रहा है कि ले आज़ादी ले। तो जो है ना, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। वायलेंस को जो है ना इतना नॉर्मल बना दिया गया है कुछ दिनों में, यहाँ पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे अटैक हो रहा है, फायरिंग हो रही है, इतनी नफरत फैला दी जा रही है, बहुत कुछ नॉर्मल कर दिया है। अब हिंदुस्तान में ऐसा बंटवारा लाना चाहते हैं ये, सिर्फ हर जगह यही बात चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम, ये डिविजन हम नहीं लाना चाहते। हिंदुस्तान सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा हमेशा। हम हमारे संविधान की हिफाजत करेंगे, हमारे डेमोक्रेसी की हिफाजत करेंगे। तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा मैडम ऐसा एहतजाज जो शाहीन बाग में हो रहा है दिल्ली में? हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि हैदराबाद में भी हम जो है ना शाहीन बाग बनाए। कुछ पुलिस की तरफ से रेगुलेशंस है, उनकी उन्होंने कुछ पाबंदी लगाई है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो है ना तेलंगाना और हैदराबाद में भी शाहीन बाग बने इंशाल्लाह। आगे भी आपके ऐसे कुछ प्रोग्राम रहेंगे, कुछ प्लान है आपका? जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी और एहतजाज अपना जारी रखने की मैं अपनी आवाज़ दर्ज करते रहूंगी और सभी खवातीन को मेरे साथ लेके चलूंगी। बच्चे होंगे, हमें आवाज़ निकालना चालू करते लोगों को प्रॉब्लम आता है, नहीं निकाल रही हूँ पर आप लोग बोझ करें बराबर निकाल दूँ। और जो लोग बोल रहे कि हम शाहीन बाग नहीं बना सक रहे, क्यों नहीं बना सक रहे हम शाहीन बाग? क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। वो शाहीन बाग के औरतों में मेजोरिटी है, वो उनमें ताकत है, वो उनके उनमें जज्बा है, वो हमें है क्या? हमें है क्या? चंद औरतों से शाहीन बाग बन सकता है क्या? चंद गानों से शाहीन बाग बन सकता है क्या? चंद गानों से एनआरसी के खिलाफ लड़ सकते क्या? चंद बातों से हम एनआरसी के खिलाफ लड़ सकते क्या? ये एनआरसी का रूल्स है क्या जो अपन कर रहे? शाहीन बाग बनना है तो हम सबको उस तरह बनना है, हम सबको एक यूनिटी बनना है, हम सबको एक होना है। ये नहीं कि वो करें तो हम कहीं। जब भी इंडिया में सिर्फ एक ही बात बोलती कि उन शाहीन बाग के औरतों जब इतना सब जुलूम हो रहा है उनके पर भी वो औरतें झट बैठी है, तो हम क्यों नहीं बैठ सक रहे? फिर हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, प्लीज आइए, हम एक डर हमारा बाजू रख देंगे, बाजू रख के हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम जो भी करें अपनी हिम्मत के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए कर रहे हैं जो शाहीन बाग में बैठी है। बस इतना ही बोलूंगी मैं, उसे कुछ बोल दीजिए। हम सॉरी, उनको नहीं रोका, वे इंतहाई बदतमीजी और प्रोवोकेटिव चीजें बोल रहे हैं। जब हम पीसफुली एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, हम पे 200 केस स्नैप कर दिए जाते हैं कि हम लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही जोश है, बहुत कलर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने का अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आज। This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isa Concerns, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels.